करोड़ों हिंदू भाइयों की शान, बागेश्वर धाम जल्द शहर में। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों अभी खड़े हैं भारत महाराज चौक पे, देख सकते हो आप। यहाँ से चलते हैं बागेश्वर धाम की, जो कि पहली घटना 2024 की बागेश्वर धाम की रायपुर कोटा में होगी। तो आपको दिखाते हैं किस कदर का नज़ारा है, तो देखिए शहर में। तो देख सकते हो दोस्तों, गुड़ियारी रेलवे स्टेशन कोटा कॉलोनी। तो कोटा कॉलोनी में दिव्य दरबार बागेश्वर धाम का लगा है, जो कि देख सकते हो आप। कोटा कॉलोनी यहाँ से 1 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा आपको। तो बाबा का दिव्य दरबार पास ही में लगा है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। यहाँ से भारत माता से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते भारत माता की तरफ, देख सकते हो भारत माता यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ से जस्ट पास में बागेश्वर धाम का कथा का जो रखा गया है, दिव्य दरबार रखा गया है, जिसमें आप सभी को आना है ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में कोटा रायपुर में। और टाइमिंग है 3 से 7 बजे तक का टाइमिंग है। हम पहुंच चुके हैं भारत माता चौक, यहाँ से कोटा रायपुर जो 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से देख सकते हो भारत माता चौक पे, देख सकते हो आप अशोक स्तंभ और भारत माता मूर्ति भी काफ़ी बड़ी है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। देख सकते हो आप कितनी सजावट हो रही है, किस प्रकार से बागेश्वर सरकार के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो भारत माता की मूर्ति भी देख सकते हो आप। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। देख सकते हो यहाँ से कोटा कॉलोनी का मार्ग ज़्यादा दूर नहीं है, कोटा मोबा बाजार मार्ग। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों अभी खड़े हैं भारत महाराज चौक पे, देख सकते हो आप। यहाँ से चलते हैं बागेश्वर धाम की, जो कि पहली घटना 2024 की बागेश्वर धाम की रायपुर कोटा में होगी। तो आपको दिखाते हैं किस कदर का नज़ारा है, तो देखिए शहर में। तो देख सकते हो भारत माता चौक का, जो कि ऐसा नज़ारा है यहाँ का। इस तरीके से पंडाल लगा है और इस तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से सज रहा है। और यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी देंगे बागेश्वर धाम की कथा कहाँ हो रही है कोटा कॉलोनी में। तो जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आपने देखा 23 तारीख को बागेश्वर सरकार, जो कि अपने गुड़ियारी रायपुर कोटा में आने वाले हैं। तो समय दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक का है, तो कथा सुनने जरूर आना आप। और आप सभी का स्वागत है और बाबा के दर्शन और हाजिरी लगाने आना। तो काफ़ी भव्य तरीके से सजाया गया, देखो इस तरीके से। चलते अंदर की तरफ, दिखाते आपको।
का बता, ये बता हेलमेट बता सब बता जल्दी से बता। तो दोस्तों जय श्री राम, देख सकते हो इस करदार का यहाँ पंडाल बना है और यहाँ पर बागेश्वर धाम जी आएंगे जो कि हनुमान जी की कथा होगी यहाँ पर। और काफ़ी बड़ा जो कि पंडाल लगा है जहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक जनता आ सकती है बागेश्वर धाम के दर्शन करने और कथा सुनने। तो देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है और देख सकते हो ग्राउंड भी अभी काम चल रहा है निरंतर, रोलर वगैरह भी चल रहा है देखा हुआ आपने वीडियो में, और इस कलर से सजावट भी हो रही है। तो देख सकते हो आप कितना बड़ा अंदर से भव्य तरीके से बना रहा है इसको, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरीके से। देख सकते हो कितना अच्छा डेकोरेशन करा है, साक्षात समझ रहे हो ना भगवान के लिए बनाया जा रहा है जो कि बागेश्वर धाम जिनको हनुमान जी का रूप कहा जाता है। देख सकते हो कितना बड़ा है और यहाँ साइड में भी बड़ा सा पंडाल बना रहा है। बागेश्वर सरकार शाम 5 बजे 22 तारीख को आएंगे रायपुर कोटा शहर में, और ये पंडाल देख सकते हो आप कितना भव्य तरीके से पंडाल को सजाया गया है। और 23 तारीख को जो कि कथा सुनाई जाएगी यहाँ हनुमान कथा, 23 तारीख को बागेश्वर सरकार की जो कि कथा यहाँ सुनाई जाएगी हनुमान कथा शाम 3 बजे से तो 5 बजे तक है ना। तो यहाँ के लोकेशन है कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ गुढ़ियारी। तो देख सकते हो इस तरीके से भव्य सजाया गया है कितने अच्छे तरीके से, और बाबा खुद साक्षात जाएंगे जो कि हनुमान जी के अवतार हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको यहाँ आना है रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो गाइस देख सकते हो आप कितने भव्य तरीके से सजाया गया है बागेश्वर सरकार जो कि साक्षात हनुमान जी के रूप में कहा जाए तो। और यहाँ पर आने वाले 23 तारीख को, तो 23 तारीख को 3 बजे से तो 5 बजे तक की कथा यहाँ पर रखी गई है। तो आप सभी हिंदू समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आना है और कथा को सफल बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। देख सकते हो किस तरीके से भव्य तरीके से जो कि डेकोरेशन हो रहा है कितना। तो देख सकते हो यहाँ हनुमान जी की मूर्ति कितनी बड़ी, हनुमान जी की मूर्ति, और काफ़ी भीड़ लग गई है यहाँ फोटो वगैरह ले रहा है। और देख सकते हो निरंतर यहाँ काम चल रहा है, इस कलर काम चल रहा है। ये देख सकते हो अब काफ़ी मूर्तियाँ भी पड़ी है, और देख सकते हो काम अभी भी निरंतर चल रहा है अंदर की साइड स्टेज की तरफ। देख सकते हो झांकी वगैरह के सामान भी लगे हैं यहाँ पर, और काफ़ी भीड़ भी है, लेडीज़ वगैरह काफ़ी पब्लिक आ रही है दर्शन करने अभी से। तो जो भी रायपुर से अपने भाई लोग दोस्त लोग जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो रायपुर में ज़रूर पधारें 23 तारीख से शाम 3 बजे से तो 5 बजे तक जो कि हनुमान कथा होने जा रही है अपने कोटा कॉलोनी में, कोटा रायपुर गुढ़ियारी में। देख सकते हो भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, अभी भी काम निरंतर चल रहा है, और 23 तारीख से सभी पधारें यहाँ। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं क्योंकि राम मंदिर बन गया है और 22 तारीख को उद्घाटन है। तो सभी भाइयों को दीपक जलाना, अपने मोहल्ले घर सब दूर मंदिरों में जलाना है ना भव्य तरीके से, खतरनाक तरीके से शहर में। और आपको बता दूँ कि यहाँ भी 11 लाख दीपक जलेंगे जो कि 22 तारीख को जलेंगे यहाँ पर जस्ट सामने मैदान में। 11 लाख दिए जलेंगे यहाँ पर भी 22 तारीख को शाम 5 बजे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आना और दीपक जलाना यहाँ आके, काफ़ी अच्छा लगेगा। और 23 तारीख को बागेश्वर सरकार जो कि अपनी कथा जो कि 2024 की पहली कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी कोटा कॉलोनी में, कोटा गुढ़ियारी में है ना। तो ज़रूर आना, समय है 3 बजे से तो 5 बजे तक का समय। देख सकते हो कितना भव्य तरीके से सजाया गया, कितना अच्छा लग रहा है अंदर की साइड। ये इस तरीके का पंडाल में आ गया हूँ, उस तरफ बीच वाला पंडाल है और बीच वाले पंडाल में स्टेज लगा है। देख सकते हो आप बहुत काफ़ी लोग आ सकते हैं, काफ़ी बड़ा मैदान है यहाँ, बताता आपको बाहर से। देख सकते हो कितना बड़ा मैदान है, लाखों की जनसंख्या में आ सकते हैं और काफ़ी बड़ा मैदान है। और अभी से पब्लिक भक्त लोग कहा जाए तो भक्त लोग भीड़ बहुत सारी आने लग गई है। तो देख सकते हो कितना बड़ा मैदान है, बाहर तक का भी देख सकते हो आप कितना लंबा चौड़ा मैदान है। यहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक भक्त लोग आ सकते हैं। ये देखो इस साइड और इस तरफ देख सकते हो पंडाल को, कितना बड़ा पंडाल सजाया गया है। देखो इस तरीके से पंडाल सजाया गया है, ये सामने देख सकते हो यहाँ सामने पंडाल के सामने एक और मैदान है जस्ट साइड में। तो यहाँ 11 लाख दिए जलाए जाएंगे 22 तारीख को शाम 5 बजे,
देख सकते हो कितना बड़ा पंडाल है, और अभी काम भी चल रहा है, निर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हो काफ़ी भीड़ भी आने लग गई है, जनसंख्या अभी से है ना। बाबा के बहुत भक्त हैं, हनुमान जी के भी बहुत भक्त हैं, और राम के तो आप जानते ही हो। तो देख सकते हो काफ़ी भीड़ आ रही है, और क्योंकि आप जानते ही हो राम के तो काफ़ी दीवाने और हनुमान के भी काफ़ी दीवाने। तो देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से वर्क चल रहा है, जो कि काम हो रहा है अभी भी, निरंतर काम हो रहा है, और सजावट भी काफ़ी अच्छे तरीके से सजावट चल रही है। काफ़ी दूर आ चुका हूँ मैं ग्राउंड से, आप देख सकते हो, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर अभी से। तो इस कलर का ये, आप जैसे ही आओगे कथा सुनने तो आपको ये वाला टेंट मिलेगा, पंडाल मिलेगा। इस कलर तो है गाइस, देख सकते हो राम जी की मूर्ति कितनी बड़ी भव्य मूर्ति बनाई जा रही है। देखो इस तरीके से बनाई जा रही है राम जी की मूर्ति। तो कि आप बाहर से एंटर हो गए, तो जैसे ही एंटर हो गए आप, तो आपको मूर्ति दिखेगी इस तरह की, जय श्री राम। तो है गाइस, कैसा लगा हमारा बागेश्वर धाम का जो कि ब्लॉग? आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करना। जय श्री राम शहर में।